अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इहदे अंदर अपने हक तो बाद वालदैन दे हक दा बयान किया और बड़े बलीग और प्यारे अंदाज नाल बयान किया कि जिन्हां तैनू जणिया ना जिन्हां पर इस दुनिया चों आया उन्हां नाल नेक सलूक कर। यह नहीं आख्या भी उन्होंने खाना पीना दे एहसान अच्छे तो अच्छा सलूक जिहड़ा तेरे को हो सकता ना वो कर और तेरे कोल उन्हां चों एक या दोवें अगर बुढ़ापे की उम्र में पहुँच जाण तो खबरदार उन्होंने जरा भी ऐसा कलमा नहीं कहना जे तो पता लगे भी तू तंग होया उफ भी ना कहीं तो ना उन्होंने झिड़की और उन्होंने हमेशा अच्छे अंदाज ना बुला तो नरम गल कर उन्होंने और उन्होंने सामने अपना ना मुहब्बत परवें पहलू नीवा करके रख और रब अगे दुआ करता रहा कर रब रहम वाह कमा रबा नहीं सी जिस तरह मैनू छोटे होंदे ने इन्होंने बड़े प्यार ना पाले ये तंग नहीं पै बिड़को दो इन्हों के दिल का टुकड़ा सी ये आप दुख सह लेंदे मैनू बचाते तो ये रब इन्हों दो रहम फरमा तो ये तफसीर आज मेरे सामने हकमुल कुरान है कादू अबू बकर इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह तो ये तहत ही फरमाते ये असल से इस आयत को चुनने का सबब मेरे दोस्त है उवैद साहब लाहौर है बहुत मुहब्बे मुशफिक मुहब्बत इतने होंगे से उत्थे चले उन्होंने शफीक नूं आख्या बे मौलाना ने एक वाकया बयान किया सी वो शेर भी पढ़े मगर उनका हवाला नहीं दिता भी किस किताब से इस तो मैं असल गल भी आ जाऊँगा दो तीन चीज़ें ऐसे सामने मगर वो फिर वो दोस्त की ख्वाहिश भी पूरी करनी है भी वो किस्सा की सी जो रसूला के सामने अशार उस बंदे ने पढ़े तो काजी साहब फिर अबू बकर रहमतुल्लाह फरमाते कि अल्लाह ने आख्या दुआ कर मां ना हो उदो लहमा फी हयात हिमा बबा लहमात हिमा कि जिंदगी ची उन्होंने दुआ करता रहे और मौत तो बाद भी कर बैंगी खून बार यार हम माँ कमा राह माँ का जिस तरह उन्होंने दोवे ने तेरे बड़ा प्यार किया बड़ी रहमत की तेरे से अल्लाह भी उन्होंने रहमत करे ब तिरफक बेहमा कमा तरफिका बिका तो जिमें वह तेरे ना नरमी ना रह ना इदा ही तू उन्होंने नरम रह तंग ना पवी वैन अल्लाह वल्लज़ी यज्ज़ुल वालिदैन वलद क्योंकि बाप की जड़ी नेकी बदला सिर्फ अल्लाह दे सकता ला यस इज ला यस जी और वलद अला कफाए नेमत वाले दिया बदल बाप के जड़े एहसान ना सारी उम्र भी बच्चा वह बदला देता रहे दे नहीं सकता ये अल्लाह कोई दुआ करे तो तू ही उस नेकी का बदला दे ये अगे फिर चल के लिखते 1187 से वयम बगी लहू अलमन वाले या शरीर जाहिल मोहताज तू ध्यान कर कि जो तू एक गोशत का लुथड़ा सी बोटी तू छोटा जहा सी हिल भी नहीं सी आप सकता किसी शायद ही तेनू खबर कोई नहीं सी और तू मुहताज सी बे अब्बा अम्मी तेनू ए था थलन तो थलन तू अपने आप हिल जन भी नहीं सकता इस गल नू पहचान तो आ सारा वाला अनफसमा उन्होंने अपन जड़िया सी ना चीज़ा उन्होंने तेनों तरजीह आप दुख चल रहा है मुसीबत चले तेनों अगे रखते रहे वा सहारा लै ला हम ना मा आप रातों जागते रह तेनों सौंदे रह तरले लेंदे रह जे किसी तरह बच्चा सौंद ब जा बस बाह खुद भुखे रह तेन खाना खिलाया ब तर रहा व कसावा आप नंगे भी रह फटे पुराने तेनों चंगे कपड़े लब के साढ़ा लाल लग रहे अच्छी कमीज कुर्ता पहनाइए फला यजी हमा इलाइया बुलवा मेरा किबरे हद लजी कान होगी मेरा सिगर हूँ उन्होंने बदला इस तो सुद नहीं होना कि वह भी बुढ़ापे में पहुँचन तो बिल्कुल उदा ही हो जाए जिमें तू छोटा जा हिलन जुड़न जोगे ना रवे तो फिर ले या मैनू माँ मगले आए मैनो जिदा वह तेनों संभालते थे ना फिर उस बुढ़ापे तेरी बारी आई भी हूँ उन्होंने चुक थल भाई खूह लंबा ही ना दिन लै फजल उठ कदम बिना मत रल मुका फैला ये बावजूद तू सिर्फ उन्होंने एहसान का बदला दे रहा उन्होंने पहल की सी रहना उन्होंने हक फिर भी मुकदमा इत फिर कादी बकर रहमतुल्लाह अलैह भी लिखा 1187 और 1188 सफे से दिल जी समझो तीसरी और इमाम कुर्तबी रहमतुल्लाह अलैह अल जामिल अहकम कुरान से वाकया इन्होंने पूरी शर्म दिखी है कि मैनू फला आदमी ने सुनाया उन्हें फला आखिर ते गल जाके अन जाबिर इब्न अब्दुल्ला रसूल करीम अलैहिस्सलाम के साथियों जो हज़रत जाबिर ने एक कहानी सुनाई काला जा रजुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल करीम अलैहिस्सलाम की मजलिस एक आदमी आया वकाला या रसूल इन्ना अबी अख़ज़ माली उन्हें शिकायत की बे अल्लाह दे रसूल मेरा अब्बा मेरा माल जरा खर्च से करी जाता जदों चाहता बिच वरत लगा वकाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ले रजुल फातनी बेअबी का आपने उन्होंने आख्या जा अपने अबे फिर ला के आ
हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें चर से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत जिब्रील आ गए। वो सदन गया जिब्रील अलैहिस्सलाम आए फकाल इन अल्लाह वजल्ला या करो कसलाम ये कू लड़का कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आख्या अल्लाह ताला ए रसूल तेरे ते सलाम आंदा ते तेनू ये पैगाम अल्लाह की तरफ दिता गया इदा जा क शेख फसल उन शैन काल उफी नफसी मा समय तुजला कि जदों बाबा तेरे को आवे उन्होंने पूछना भी अपने दिल की कहिंदा आया जिहड़ा उहदे कन्न ने भी नहीं सुनिया आवाज़ नहीं कढ़ी उहदी ना उहदे कन्नां तक गई दिल च कहिंदा आया ये उन्होंने पूछना उस बाबे नूं लम्मा दा शेख जदों बुढ़ा आया काल अल नबी सलम मा बाल ने कहूगा आपने आख्या बाबा जी बेटा तुहाडी शिकायत करदा आ तुरी लंता उसका माल तुसी उहदा माल छीनना चाहुंदे जी काला फकाल सालो यार सुला उन्हें आख्या अल्लाह दे रसूल इहनूं पुछ लो हर मन फिर कोई अला एहदा माते औ खालाते औ नफ्स जे मैं इहदे पैसों चों कुछ लैंदा इस उम्र जिहड़ियां फुफियां ते इहदियां खाला जिहड़ियां या अपने आप पर खर्च करना कोई अयाशी करना इहदियां फुफियां आउंदियां इहदियां खाला आउंदियां खुद मैं आप है मोहताज फकाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इहे दाना मिन हाज़ा आपने आख्या चल ये तो छड़ गल अखबरनी इंसैन कुल तौफी नफसे का मासा मैं तो सुना तू वो गल मैनू सुना जिहड़ी तू अपने दिल च कहिंदा आया तो तेरे कन्ना भी नहीं सुनी कन्ना तक नहीं आवाज़ की दिल दिल च चुकया वकाल शेख वरला या रसूला मा ज़ालुला ताला तज़ीद ना बिका यकीन कहणगा रब दे रसूल अल्लाह की कसम है दिन ब दिन साडा यकीन तेरे ते वधदा गया मेरे वो दिल के हाल किनू पता सी सवाए अल्लाह दे ते तू पुछ रहा मैनू वो दिल च की आखदा आया लकद कुल तो भी नफसी सहमा समय तो आया वाकई मैं अपने दिल कुछ चीज़ा कहिंदा आया जिन्होंने मेरे कना नहीं सुनिया वकार कुल बाना असमाओ तो अल्लाह दे रसूल अल्लाह सलाम ने फरमाया तू हुण वह गल्लां जिहड़ियां वह कह तो मैं सुना वह सुना ना सारी गल गुरमाल सिंह जी अशार उन्हें पढ़े पहलों तो अरब शायरां दे अशार शेर अपने दिल च दोहरांदा आया गज़ाओ तो क मौलूदन व मुन तो कयाफन तो अलो बेमादनी अलैका तो नल बेटा जो तू पैदा होया ना मैं तेनू बड़ी किताबं खिलाई और पाल पाल के तेनू जवान किया ते सवेरे भी दुध पिया तो मुड़ के भी चौ चौ के पाना बार बार तेनू दुध पिला रहा इदा लैला तुन जाफत कब सुखमे लम अबित ले सुखमे केला साहरनता मल तो जो रात पैंदी तो तू बीमार हो जाता तेनू नींद ना आँगी तो मैं सारी रात जागता रहा बे नू किसी तरह सौवा आप मैं अनिंद्रा कटता रहा बेचैन रहा रहा मगर तेनू सौन की कोशिश करता रहा कानी अनल मतलबू खुदूना कबिला भी दुड़कता बी दूनी रहनियम बीमार तू होना मगर मैं यही समझना भी ये बच्चा नहीं बीमार मैं ही बीमार मेरी अखा बहदियाँ रहनियाँ तो तरले रहने भी बच्चा किसी तरह सौ दे तखा फुरदा नफसी अलै कबेना लता रमन मौत वक्त मजर तो हर वेले मैं डरना भी अल्लाह खैर करे बच्चा कितने फौत ना हो जाए हालांकि मैंने पता भी मौत एक ऐसी शायद जो वक्त मुकर आनी आनी है मगर तेरे बारे हर वे सही में रहना बच्चा जरा तिलन लै पहला माँ बरकत सिन्ना वलगाया तिल थी इलाहा मदा मा कुन तो फी अमे लो तो जदों तू उस उम्र में पहुंचा ना इतों तक नौबत पहुंची बे जरा मैं तो तेरी अम्मी उम्मीदा रख ली बच्चा इन्ना जवान हो गया तू फिर तू उस उम्र में पहुंच गया जलता जाई गिलदा तम फजादा तन कान ना कान पर मुने मल मत फजरो बजाए दे तू नेकी का मैनू को बदला देंदा तू मेरे ना सख्ती शुरू करती और बुरे तरीके का पेश आव लग यानी तू इन समझा जे मैं बाप का एहसान नहीं मेरा एहसान है मैं तेरा जिक्र जम पाया तू आप एहसान वाला बन गया मेरा एहसान कोई ना मनिया वै तक दुलम तेरा हत्ता हक्का बुवती वल तक मल जारुल मजावर या फलो तो जे तू ये नहीं सी मेरे नाल सलूक कर सकता कि मेरा बाप होने का हक ख्याल करता ना समझदा मेनू बाप मगर यही समझ लैंदा ते जिवें कोई गुआंढी दूजे गुआंढी ना अच्छा सलूक करता उन्हां ते करता तू वो भी ना किया पड़ोसी भी ना समझा मैनू पाओ लै तनी हक्कर जवारे वलम तुपन अलैया बेहाल दूना मारक तब करो तो तू मैनू बाप ना समझ के पड़ोसी समझ के मेरे नाल कोई तावन करता खिदमत करता तो अपना माल जरा सी मेरे तो लुका ना जिमें मैं छोटी उम्र चरते लुटाई गया भी इनू पाला तू भी मेरे से कुछ खर्च कर गाल फही ना जनाखद नबी सलम बेबी बेब नहीं जदों अल्लाह के रसूल ने सुनया तो आपने फिर बच्चे इतों फड़ लिया और नाल फरमाया
वकालानता व माल उखड़िया बीक। तू और तेरा माल तेरे बाप का, यहो जी शिकायत मैं फिर नहीं सुनना चाहता। तेरे मुँह ना तू शिकायत करना आ गया, जो कमाण जोगा बनया ये पारो बने। तो एक तो यह समझो वैद साहब विकास पूरी हुई भी अहकामुल कुरान है कादी वो के अरबी दी 1187 और 1188 पढ़े तो समझ मिली तुम गल भी अल्लाह के दीन च माँ बाप का हक अल्लाह तो बाद। कुरान पाक ने जिथे बयान किया है कि अब रब ना शरीक ना करी तो दूजे नंबर से गल आ जाती है भी माँ बाप ना अच्छा सलूक कर बहुत सलूक कर। और इसे तो अल्लाह के रसूल अल्लाह सलात वसलाम ने जो पूछा लोगों ने मैं सब तो व्डे गुनाह कहे आना भी बकरा तकाल रसूल अल्लाह उखबर हुकुम अकबर अकबर आपने आख्या लोगों तुम दसा गुनाह बड़े आ मगर व्डिया तो व्डे गुनाह जिन्हों तो पड़े कोई नहीं कुलना बला या रसूल अल्लाह। असं आख्या हाँ अल्लाह के रसूल दसो फरमाया काल आल शराक बिल्ला वा कुकुल वालदा अल्लाह ना शरीक करना जिन्हें बनाया तेन ते माँ बाप न सता दुख देना उन्होंने नाफरमानी करनी ये तो बड़ा कोई गुना। इस तो रसूल करीम अलैहि सलाम ने फरमाया तुम नमाज भी पढ़ते हो वक्त हो गए फिर पढ़ी जा सकी तो माँ ने और बाप ने आवाज़ दी नमाज तोड़ दे गल सुन लो ऐसा ना हो बुरा नतीजा पुतना पे। इसलिए अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने जुरैज का भी वाकया सुनाया भी जुरैज राहिब सी उन्हें बाहर खानका बना ली दरवेशा की तरह अपना मकान बना लिया उत्थे इबादत करता सारे लोग मानते थे जुरैज बड़ा अल्लाह का वली। जुरैज की माँ जिहड़ी सी चूंकि उत्थे इबादत खाने बह गया माँ एक दिन मिल गई नमाज पढ़ता उन्हें आवाज़ा दिखाई तो दीन समझदा हों हजूर फरमाते तो जवाब दे दिता नहीं इन्हें आख्या नमाज हूँ मैं कितना छा नमाज पढ़ता। माँ बेचारी आवाज़ा दे के मुड़ गई तीन बारी ये किस्सा होया आँदी रही चली जाती रही आखिर तीसरी बारी बददुआ करके मरी बे जुरैज तू मरण तो बाद ना बदकार औरतों का मूँह ले वेखे तेनों कंजरिया का इल्जाम लगे तो तू यह नतीजा पो दे। तो रसूल करीम अलैहि सलाम ने फरमाया वो फिर एक औरत बीमार हो गई उन्होंने उन्होंने खानदान के लोग दीवार के कोल रख गया हुजरे के कोल फूक मार दिया करो दम दरूद करो कोई चरवाहा सी बकरियां चारदा ना मुराद वो सैट हो गई तंदुरुस्त होने तो बाद बदकारी की हमला हो गई लोगों को पता लगा जैसे उन्हें इल्जाम झूठा इस दरवेश चला दिता माँ की बदवाज लग गई वो लोग आ गए उन्होंने आके दीवारा ढोनिया शुरू कर दतिया। ये बजुर्ग ने छत से चढ़ के आख्या क्यों होया तो उन्होंने आख्या तेरा पता कर लेंगे उतार लिया मारना शुरू किया गल पूछी इन्हें समझ लिया भी माँ जरा कह गई ना उन्हें पकड़ लिया नमाज पढ़ता रहा माँ को जवाब नहीं दिता है वह बदला फिर भी अल्लाह का नेक बंदा तरला किया तुम मैं उन्हें नमाज पढ़ लैन दो मुड़ के जो मर्जी कर नमाज पढ़ के अल्लाह के दुआ की मेरा कसूर जरा माफ़ कर हैगा मैं बेगुना बच्चे दे पेट से हाथ रखिया अल्लाह के हुक्म ना बोलिया तीन बच्चे हजूर ने फरमाया गोद ही बोलिया ईसा अलैहि सलाम है जुरैज राहिब का गवाह और एक एक लौंडी का किस्सा। बच्चे ने बोल के आख्या भी नहीं मैं फलां चरवाए का बच्चा इस दरवेश का कोई कसूर नहीं फिर मिनता तरले से आ गया तेरा सोने का बना देने उन्हें आख्या नहीं सोने की लड़ नहीं जिदा का कच्चा थी ना इटा का उदा का बना दौ मैं अपनी कीती पा लिया माँ ने जरा नहीं राजी किया वह बदला मैं मिल गया। इस तो अल्लाह के रसूल ने कुरान ने हदीस ने सब ने समझाया कि जिन्हों मर्जी सता नहीं माँ बाप ना सताए उन्होंने एहसान तू नहीं दे सकता जिस तरह उन्होंने तेन पालिया तो मुहब्बत प्यार ने स्टेज तक लाए का बदला तू दे सकता। इस तो एक तो समझो एक किस्सा से जो थोड़े सामने बयान हो गया चलो उस दोस्त की ख्वाहिश भी पूरी होगी सफ़े 17 मैं लिखवा दिए 1187 और 1187।